हेलो फ्रेंड, मैं जितेंद्र नाथ अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र टेस्ट सीरीज हॉट ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन में कई परीक्षाएं नहीं हो सकी और न ही वैकेंसियां निकल पाई, परंतु अब परीक्षाओं का महासंग्राम चालू हो गया है। अब मैं आपके लिए परीक्षा उपयोगी एक पर एक वीडियो लाने जा रहा हूँ, जो कि BPSC, बिहार SSC, दरोगा, बिहार पुलिस के लिए रामबाण साबित होगा। साथ ही रेलवे SSC के उपयोगी वीडियो भी लाने जा रहा हूँ। जो कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे अविलंब सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो बिहार के करेंट का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अप्रैल 2020 में कोरोना पर शानदार ड्राइंग विशाल चोंच वाली लाल चिड़िया शीर्षक से किसने बनाया है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर श्याम शर्मा, ऑप्शन बी प्रोफेसर रामजी सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर शांति जैन, ऑप्शन डी मनीष कुमार। चलिए उत्तर बताइए। उत्तर होगा ए, प्रोफेसर श्याम शर्मा। सॉल्यूशन, पद्म श्री श्याम शर्मा ने चीन में पाई जाने वाली विशाल चोंच वाली लाल चिड़िया पर ड्राइंग की एक पूरी श्रृंखला ही बना डाली है। क्वेश्चन 2, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक MD किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए शिवदास मीना, ऑप्शन बी आनंद किशोर, ऑप्शन सी अंजनी कुमार सिंह, ऑप्शन डी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा बी आनंद किशोर। सॉल्यूशन, 29 अप्रैल 2020 को राज्य सरकार की ओर से बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, देश का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर हर घर में कोरोना की बृहद पैमाने पर स्क्रीनिंग होगी? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलिए उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा बिहार, ऑप्शन बी। 16 अप्रैल 2020 से स्क्रीनिंग आरम्भ हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए हेलो सखी चैन इनिशिएटिव का आरंभ बिहार के किस जिले के ग्रामीण महिलाओं द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेगूसराय, ऑप्शन डी नालंदा। चलिए उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ए मुजफ्फरपुर। सॉल्यूशन, ज्योति महिला समाख्या से जुड़ी महिलाएँ यह अभियान चला रही है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सरकार ने कोरोना से मौत होने पर कितने की मुआवजा की घोषणा की है? ऑप्शन ए 10 लाख, ऑप्शन बी 8 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 4 लाख। उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा डी 4 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 6, किस दिन दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झांसा रेलखंड पर हाई स्पीड स्पेशल ट्रेन इन्फेमेट्री आसिलोग्राफ कार रन का ट्रायल रन किया गया? ऑप्शन ए 9 फरवरी 2020, बी 3 मार्च 2020, ऑप्शन सी 22 फरवरी 2020, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ए 9 फरवरी 2020। सॉल्यूशन, सिर्फ 4 घंटे 9:30 से 1:47 में DDU से झांसा पहुंची, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रायल रन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पम प्रिया चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा 2020 के मद्देनजर किस राजनीतिक दल का गठन किया गया? ऑप्शन ए रिपब्लिक, ऑप्शन बी प्लूरल्स, ऑप्शन सी लिबरल, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक। सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्लूरल्स। सॉल्यूशन, पुष्पम प्रिया चौधरी ने पार्टी गठन कर अपने को CM का उम्मीदवार के रूप में पेश किया। 2025 तक में बिहार को देश का टॉप राज्य और 2030 तक यूरोप के किसी देश के समकक्ष बनाने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2019-20 में 8वीं जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल क्रिकेट चैंपियनशिप के बालक वर्ग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रथम। सॉल्यूशन, फाइनल में राजस्थान को हराकर जीता। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के किस खिलाड़ी ने हाल ही में आयोजित फीडे रेटिंग शतरंज चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए राजेश कुमार, ऑप्शन बी राहुल कुमार, ऑप्शन सी केशव लाल, ऑप्शन डी रविशंकर कुमार। सही उत्तर चुनिए।
सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राहुल कुमार। क्वेश्चन नंबर 10, 22 मार्च 2020 को बिहार सरकार ने कोविड-19 से सुरक्षा हेतु लॉकडाउन किस महामारी अधिनियम के तहत किया? ऑप्शन ए महामारी रोग अधिनियम 1938, बी महामारी रोग अधिनियम 1897, ऑप्शन सी महामारी रोग अधिनियम 1984, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी महामारी रोग अधिनियम 1897। क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2020 में बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से रोकथाम एवं उपचार हेतु किस अस्पताल को केंद्रीय इकाई या पूर्णतः कोरोना मरीजों के इलाज हेतु घोषित किया है? ऑप्शन ए पीएमसीएच पटना, ऑप्शन बी एम्स पटना, ऑप्शन सी ए एनएमसीएच पटना, ऑप्शन डी आईजीआईएमएस पटना। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा सी एनएमसीएच पटना। क्वेश्चन नंबर 12, मार्च 2020 में बिहार का कौन सा जिला क्लासिक स्वाइन फीवर का केंद्र था? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी जमुई। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार में मार्च 2020 में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के दौरान बिहार के किस जिले में चलंत डाकघर की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी गया। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। सॉल्यूशन 31 मार्च 2020 की इसकी शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में बिहार में कहां 30 ब्रिटिशकालीन सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी मधुबनी, ऑप्शन डी कटिहार। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पटना। सॉल्यूशन पटना के महावीर मंदिर में मिला है। क्वेश्चन नंबर 15, मई 2020 में बिहार के किस निवासी को विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन पर कार्यविधि प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आभास झा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी सरोज कुमार झा, ऑप्शन डी शैवाल गुप्ता। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आभास झा। सॉल्यूशन आभास झा पटना के सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के छात्र रहे हैं। झा मूलतः पूर्णिया जिले के धमदाहा के हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गुलबर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स में बिहार की स्नो रग्बी पुरुष टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंचम। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी द्वितीय। यह प्रथम खेलो इंडिया विंटर गेम्स था। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार सरकार सहकारिता विभाग का टैगलाइन बताएं। ऑप्शन ए सबका साथ सबके लिए, ऑप्शन बी आओ मिलकर चले, ऑप्शन सी एक सबके लिए सब एक के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सी एक सबके लिए सब एक के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, ग्राम स्तर पर मिट्टी की जांच के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा प्रयोगशाला बनाने के लिए कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 35%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 75%। सही उत्तर डी 75%। क्वेश्चन नंबर 19, किस राजनीतिक दल द्वारा बिहार के विकास में अप्रवासी बिहारियों को जोड़ने के लिए नए भारत का नया बिहार कार्यक्रम आयोजित किया गया? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जनता दल, ऑप्शन डी प्लूरल्स। सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार के किस जिले से मशरूम महिला नाम के नाम से चर्चित बीना देवी आती है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी जमुई, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नालंदा। सही उत्तर ए मुंगेर। सॉल्यूशन बीना देवी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। क्वेश्चन नंबर 21, बागमती के किस सहायक नदी को सीतामढ़ी शहर के क्षेत्र में मृत हो चुकी नदी को पुनः जीवित किया है? ऑप्शन ए लखनदेई, ऑप्शन बी मटिहारी, ऑप्शन सी चंदन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए। जिलाधिकारी अभिलाष कुमारी शर्मा के प्रयासों से यह जीवित हुई है लखनदेई। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वर्ष 2020 में सबसे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा 12वीं का रिजल्ट जारी करने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रथम। सॉल्यूशन मार्च 2020 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कोरोना समस्या के बावजूद देश में सबसे पहले परीक्षा परिणाम 12वीं को प्रकाशित किया। क्वेश्चन नंबर 23,
7 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में चिकित्सीय सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी मधेपुरा, ऑप्शन डी पूर्णिया। सही उत्तर ऑप्शन सी मधेपुरा। इसे 784 करोड़ की लागत से बना है। क्वेश्चन नंबर 24। बिहार की राजधानी पटना को मार्च 2020 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 28वां, ऑप्शन बी 30वां, ऑप्शन सी 32वां, ऑप्शन डी 34वां। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 32वां। सोल्यूशन, बिहार शरीफ 72वां भागलपुर, 17वां मुजफ्फरपुर, 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25। नालंदा विश्वविद्यालय का वर्तमान वाइस चांसलर कौन है? ऑप्शन ए सुनैना सिंह, ऑप्शन बी के प्रसन्ना, ऑप्शन सी जॉर्जियो, ऑप्शन डी संजीत दीक्षित। सही उत्तर ऑप्शन ए सुनैना सिंह। 26। नालंदा विश्वविद्यालय के वर्तमान चांसलर कौन है? ऑप्शन ए सुनैना सिंह, ऑप्शन बी विजय पी भटकर, ऑप्शन सी संजीव दीक्षित, ऑप्शन डी के प्रसन्ना। सही उत्तर बी विजय पी भटकर। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता है? ऑप्शन ए पी के शाही, ऑप्शन बी जे एन भट्ट, ऑप्शन सी ललित किशोर, ऑप्शन डी अफजल अमीनुल्ला। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ललित किशोर। क्वेश्चन नंबर 28। बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए लेसी सिंह, ऑप्शन बी मंजू प्रकाश, ऑप्शन सी सुधा श्रीवास्तव, ऑप्शन डी दिलमणि मिश्रा। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दिलमणि मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 29। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए शशांक कुमार सिंह, ऑप्शन बी अशोक कुमार सिंह, ऑप्शन सी श्री आर जी एम पिल्लई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी। बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त है ओम प्रकाश, एवं सूचना आयुक्त दो व्यक्ति हैं, एक है विजय कुमार वर्मा, दूसरा अरुण कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 30। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता है? ऑप्शन ए गुलाम सरवर, ऑप्शन बी राबड़ी देवी, ऑप्शन सी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, ऑप्शन डी जगदानंद सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी तेजस्वी प्रसाद यादव। क्वेश्चन नंबर 31। सिंडई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी बिहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 32। बिहार के वर्तमान राज्यपाल है? ऑप्शन ए श्री फागू चौहान, ऑप्शन बी श्री केसरीनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन सी डॉक्टर डी वाई पाटिल, ऑप्शन डी श्री रामनाथ कोविंद। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्री फागू चौहान, जो बिहार के 40वें राज्यपाल है। इन्हें शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही ने दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 33। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है? ऑप्शन ए श्रीमती राबड़ी देवी, बी सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन सी श्री नीतीश कुमार, ऑप्शन डी श्री जीतन राम मांझी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्री नीतीश कुमार, जो क्रम से 36वां मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने 6ठी बार शपथ ग्रहण किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार कौन से पद पर रहे हैं? ऑप्शन ए भारत के रेल मंत्री, ऑप्शन बी भारत के पथ एवं परिवहन मंत्री, ऑप्शन सी भारत के कृषि राज्य मंत्री, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के उप मुख्यमंत्री है? ऑप्शन ए श्री उदय नारायण चौधरी, ऑप्शन बी श्री सुशील कुमार मोदी, ऑप्शन सी ब्रिसिंग पटेल, ऑप्शन डी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्री सुशील कुमार मोदी। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार के 16वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष है? ऑप्शन ए सदानंद सिंह, ऑप्शन बी ब्रिसिंग पटेल, ऑप्शन सी श्री विजय कुमार चौधरी, ऑप्शन डी अरुण कुमार सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्री विजय कुमार चौधरी। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक हैं? ऑप्शन ए जे एन भट्ट, ऑप्शन बी रेखा एम दोषी, ऑप्शन सी जस्टिस मुकेश आर शाह, ऑप्शन डी जस्टिस संजय करोल। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 11 जस्टिस संजय करोल। 11 नवंबर 2019 को बिहार के राज्यपाल श्री फगु चौहान ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाया। क्वेश्चन नंबर 38। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव है? ऑप्शन ए जी एस कंग, ऑप्शन बी जे एम पिल्लई, ऑप्शन सी दीपक कुमार, ऑप्शन डी अफजल अमीनुल्ला। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दीपक कुमार। क्वेश्चन नंबर 39। श्री नीतीश कुमार ने 6ठी बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ कब लिया? ऑप्शन ए 20 नवंबर 2015, ऑप्शन बी
20 दिसंबर 2015, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2015, ऑप्शन डी 27 जुलाई 2017। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 27 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 40, बिहार लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है ऑप्शन ए अशोक कुमार चौधरी, ऑप्शन बी श्री शिशिर सिन्हा, ऑप्शन सी केसी साहा, ऑप्शन डी श्री आलोक कुमार सिन्हा। सही उत्तर होगा अभी वर्तमान में बने हैं आर के महाजन। क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में कहाँ 25,000 क्षमता वाला परीक्षा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी पटना। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पटना। गांधी सेतु के समीप बनने वाली परीक्षा भवन सभी आधुनिकतम सुविधाओं से लैस होगा। क्वेश्चन नंबर 42, बिहार के किस जिला में नीलकंठ नामक दुर्लभ पक्षी देखा गया है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी जमुई, ऑप्शन डी मुंगेर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में कहां पर कला ग्राम का स्थापना किया जाएगा। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी बिहार शरीफ, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी भागलपुर। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बोध गया। क्वेश्चन 44, बिहार के किस छात्र को नोबेल सिटीजन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए मनीष कुमार, ऑप्शन बी सौरभ राज, ऑप्शन सी विशाल राज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सौरभ राज। सॉल्यूशन, यह अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए नेपाल के समाज कल्याण मंत्री जीवन घेरे ने दिल्ली में दिया। क्वेश्चन नंबर 45, बिहार के किस वैज्ञानिक ने हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन द्वारा आईटी प्रोफेशनल और आईटी इंटेलिजेंस विशेषज्ञों की ऑनलाइन कराई प्रतियोगिता में टॉपर लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए सुमंत परिमल, ऑप्शन बी मनीष राज, ऑप्शन सी मिताली प्रसाद, ऑप्शन डी शिवम पाठक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सुमंत परिमल। ऑनलाइन प्रतियोगिता में गोपालगंज के सुमंत ने अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के आईटी विशेषज्ञ को पीछे छोड़ा। बोले क्वेश्चन नंबर 46, बिहार में 19 जनवरी 2020 को 16,000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। ऑप्शन ए शराबबंदी के पक्ष में, ऑप्शन बी दहेज और बाल विवाह के खिलाफ, ऑप्शन सी जनजीवन हरियाली के पक्ष में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया। क्वेश्चन नंबर 47, बिहार के कहाँ मंजूषा कला शैली को GI टैग प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी कटिहार। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 48, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए अमरजीत सिन्हा, ऑप्शन बी शिव दास मीना, ऑप्शन सी शिव कुमार, ऑप्शन डी अंजनी कुमार सिंह। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिव दास मीना। मेट्रो के लिए गठित SPV में केंद्र और राज्य को 50-50% भागीदारी है। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय जल ज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां किया गया। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी बोधगया, ऑप्शन डी बेतिया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पटना। सॉल्यूशन, इस 52वां सम्मेलन का उद्घाटन 10 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान ने किया। इसकी थीम बदलते परिवेश में जल संरक्षण और गुणवत्ता प्रबंधन में दक्षता और लचीलापन है। यह 12 जनवरी तक चला। इसके अंतिम दिन श्री सुशील कुमार मोदी मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार सरकार ने 2019-20 में सरकारी ई बाजार जेम पोर्टल कितने की भागीदारी का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 1,000 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपये, ऑप्शन सी 575 करोड़ रुपये, ऑप्शन डी 800 करोड़ रुपये। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1,000 करोड़ रुपये। दोस्तों, यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।